नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशिकिन कुरैशी और आप देख रहे हैं जेपीएन 7 न्यूज। 18 मार्च का दिन था और वक्त था 12 से 2 के बीच का, जब अमरोहा को किसी की नजर लग गई थी। इत्तेफाक से शबे बरात भी उसी दिन थी और होली का पर्व भी उसी दिन था। कुछ लोग होली की खुशी में इतने मशगूल हो गए थे कि उन्हें यह ध्यान ही नहीं रहा था कि आज का दिन एक इबादत का दिन भी होता है, और वह लोग होली की खुशी में जमकर होली के पर्व को मना रहे थे और तेज आवाज में डीजे बजा रहे थे। जब क्योंकि नमाज का वक्त हो चुका था और ऐसे में जब दूसरे वर्ग के लोगों ने डीजे बजाने को लेकर आपत्ति जताई और डीजे बंद करने की मांग की ताकि नमाज को सकुशल निपटाया जा सके, नमाज को पढ़ा जा सके, तब दूसरे लोगों ने एतराज किया और इस पूरे मामले में जब डीजे बजाने को लेकर आपत्ति जताई गई तो एक बड़ी हिंसा अमरोहा में गठित हुई, जिसमें अनेकों लोग गंभीर रूप से घायल हुए। वहीं दूसरे वर्ग ने पत्थरबाजी भी शुरू कर दी। ये जो बवाल हुआ था अमरोहा में होली के दिन, वो मामला प्रशासन तक पहुंच चुका था, उच्च अधिकारियों तक पहुंच चुका था। अगर अमरोहा जिले के जिलाधिकारी बालकृष्ण त्रिपाठी और जिले की तेज तर्रार आईपीएस श्रीमती पूनम अगर सक्रियता भूमिका नहीं निभाते, अगर इस मामले को गंभीरता से नहीं लेते, तो होली वाला कांड एक बड़ा रूप ले सकता था। लेकिन दोनों ही अधिकारियों ने अपनी सक्रियता दिखाते हुए इस मामले पर काबू पाया और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की। आपको बता दें कि पुलिस ने इस पूरे बवाल के मामले में 52 लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया है, और उसी दिन जब यह मामला गठित हुआ था तब पुलिस ने मौके से 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। अब इसी मामले में 2 लोगों को पुलिस ने और गिरफ्तार किया है। आपको बताते चले कि अमरोहा कोतवाली प्रभारी अरविंद पमार ने जीपीएन 7 को बताया कि इस पूरे मामले में अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, क्योंकि 6 लोग पहले ही गिरफ्तार कर लिए गए थे। आपको बता दें कि कुल 52 लोग इसमें 52 लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत है, जिसमें कि 12 लोग मामले की गंभीरता को देखते हुए फिलहाल जो घटना स्थल है जहां पर पथराव हुआ था वहां पर पुलिस तैनात है, पीएसी तैनात कर दी गई है। स्थिति तनावपूर्ण है लेकिन नियंत्रण में है। मैं आशिकिन कुरैशी इस रिपोर्ट पर नजर बनाए रखूंगा, जैसे ही कुछ भी इस अपडेट मिलेगी हम आपको देते रहेंगे। आप देखते रहिए जीपीएन 7 न्यूज, मैं हूं आशिकिन कुरैशी। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा क्योंकि हम दिखाते हैं वही जो होता है सही। देखते रहिए जेपीएन 7 न्यूज।